हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गलातियों 5:19-21 वचन में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे यानी अन्य अन्य काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। समझा कि नहीं समझा? पौलुस ने बताया है अपनी पत्री में कि ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सिर्फ वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, यानी परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, सिर्फ वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। क्योंकि बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग का कचरा साफ किया है, अब दोबारा वही कचरा बटोर कर परमेश्वर स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। इसलिए समय रहते हुए यीशु के पास लौट आओ। अगर समय रहते हुए यीशु के पास नहीं आए तो क्या हाल होगा, बताता हूँ। जैसे लुका 23:29-30 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? जो 7 साल का महाभारी क्लेश काल का, जिनमें वे कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जिने, और वे स्थान जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे, रैप्चर हो जाने के बाद जो लोग यहाँ बच जाएंगे, वे लोग कहेंगे, पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। उस समय इतना हाहाकार मचा होगा मेरे प्रियो, लोग मौत मांगेंगे और फिर भी मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा उस 7 वर्ष में। यीशु ने कहा था जैसे मत्ती 24:19 वचन में, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, रैप्चर हो जाने के बाद जो स्त्रियां यहाँ बच जाएंगी और पुरुष भी जो बच जाएंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न पाया जाएगा, उन लोगों के ऊपर दुनिया भर की मुसीबतें टूटना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने शादी कर ली, अगर आपके बच्चों ने इसी पर विश्वास नहीं किया तो पछताना पड़ेगा, जैसे निर्मया 16:2-3 वचन में लिखा हुआ है, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माएं, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको कोई मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी, वे तलवार से और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। अगर आपने शादी कर ली और अगर आपके बच्चों ने इस पर विश्वास नहीं किया, अगर वे फंस गए मसीह विरोधी के दिन में, तो वे तलवार से मारे जाएंगे और उनकी लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खेत के ऊपर खाद पड़ी रहती है, और उनको कोई मिट्टी नहीं देगा, उनकी लोथे कब्रों में नहीं रखी जाएंगी, ऐसे ही पड़ी रहेंगी और मैदान के पशुओं और पक्षियों का आहार होंगी। इसलिए यीशु ने उन स्त्रियों से कहा था कि तुम मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए जाकर रो। इस धरती पर त्राही त्राही मची होगी, एक दूसरे का लोग वध करना शुरू कर देंगे। जो आगे होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। इसके सारे जवाब आपको प्रकाशित वाक्य में मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हैं। इसलिए अभी समय है, समय रहते हुए यीशु के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। यहाँ पर मत रह जाना, पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, परमेश्वर पर नया जीवन देगा। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।